हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि आने वाला जो जुलाई मंथ है वो मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। ठीक है, उसी को लेके डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट में अपना ओपिनियन बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए मिथुन राशि वालों के साथ, ठीक है। एंड अगर आप मुझसे कुंडली का पूरा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो चलिए, अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। देखिए, ये जो मेरा प्रेडिक्शन होगा वो जनरल प्रेडिक्शन है, जो कि प्लैनेटरी ट्रांजिट के ऊपर बेस्ड है। एट द एंड ऑफ द डे आपका जो भी नेटल चार्ट है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। सभी का दशा अंतरदशा जो पीरियड है वो सेम नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट वेरी हो सकता है। देखिए, आने वाला जो जुलाई मंथ है वो मिथुन राशि वालों के लिए करियर के साइड से अगर देखा जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको करियर में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, प्रॉफिट आपको अच्छा खासा मिल सकता है। पर यहाँ पे आपका जो भी नेचर है वो थोड़ा सा काम डाउन होकर आप लोगों को काम करना होगा। आपको जुलाई मंथ में अचानक गुस्सा भी आ सकता है, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाइए। उसके लिए मेडिटेट करने की कोशिश कीजिए। किसी के साथ बेफिजूल की लड़ाई झगड़े इन सब में मत पड़िएगा। स्पेशली आपके जो भी वर्क प्लेस हैं उसमें अपने कलीग्स के साथ या फिर जो भी आपके सीनियर्स हैं उनके साथ एक अच्छा रिलेशन ही मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन आपके विपरीत जा रहा है तो आप वहाँ पे चुप हो जाइए, मतलब बेफिजूल का उनके साथ कोई भी वर्बल फाइट में मत एंगेज हो जाइएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, संयम से काम लीजिएगा तो आपको भाग्य का फुल सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आपका जो भी मंगल देव है वो तो दशम घर में है, जो आपको प्रॉफिट दिलाने के लिए या फिर करियर सेक्टर में आपका जो भी एनर्जी लेवल है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। पर वहाँ पे शनि देव की भी दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पे इसलिए रिजल्ट आपको थोड़ा सा डिले मिलने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड आपको हार्डवर्क करना होगा, पेशेंस मेंटेन करके चलना होगा। स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी समय अच्छा है, पढ़ाई में आप लोगों का मन भी लगेगा, पर यहाँ पे मन थोड़ा सा भटक भी सकता है, इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो लोग सॉफ्टवेयर या फिर आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब आईटी इंजीनियरिंग लेके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो जुलाई मंथ है वो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों को कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी स्टडीज़ के थ्रू मिल सकती है। मैरिड कपल्स के लिए ये जो जुलाई मंथ है ये मीडियम टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। मन मुटाव जीवन साथी के साथ थोड़ा सा हो सकता है, पर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम मैं यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं आप लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पे काम डाउन नेचर अपना मेंटेन करना होगा, अदरवाइज़ आपके जो भी पार्टनर हैं उनके साथ लड़ाई झगड़े की जो सिचुएशन है वो बढ़ सकती है। हेल्थ भी आप लोगों का यहाँ पे मैं अच्छा देख पा रही हूँ, पर माँ के हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फैमिली एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, पर अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा काबू रखिएगा तो यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। आपको यहाँ पे फॉरेन से कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, जो लोग करियर फील्ड में हैं उनके लिए बोल रही हूँ। जो लोग बिजनेस पार्टनरशिप के लिए है उनके लिए जुलाई मंथ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। अगर आप लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ से भी आप लोगों को लाभ मिलने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रही है। शनिदेव जो कि आपके 9th हाउस एंड 8th हाउस का लॉर्ड है, तो वो अभी आपके 8th हाउस में ही प्लेस्ड है, मकर राशि में वक्री होके। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है कि आपको आपके इन लॉज के थ्रू कोई ना कोई गेन मिल सकता है यहाँ पर। एंड कोई भी सडन गेन या फिर जो लोग ऑकल्ट फील्ड में हैं स्पेशली, उन लोगों को भी यहाँ पे जुलाई मंथ में कोई ना कोई गेन आप लोगों को मिल सकता है। पर थोड़ा सा वो मिलने में डिले हो सकता है, पर मिल सकता है, यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ बनते हुए दिखाई दे रही है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए जो जुलाई मंथ है वो करियर के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आप लोगों का जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहेगा, हेल्थ भी आप लोगों का लगभग अच्छा ही रहेगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप लोग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप लोग सफल हो पाएंगे। पर यहाँ पर एक ही आप लोगों को मैं वार्निंग दूँगी कि अपने गुस्से के ऊपर काबू रखिएगा, कोई भी इम्पल्सिवली बिहेव मत कीजिएगा,
काम डाउन होके जो काम करना है वो कीजिएगा एंड मेडिटेट कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए जुलाई मंथ अच्छा ही रहेगा। सो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।